हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स। सो इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, ये सब क्या होते हैं। इनका हम जस्ट एक इंट्रो लेंगे, यानी कि ये सब देखेंगे किस तरह से हम इनको सॉल्व करना है हमको आगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ ग्रुप डेटा, फिर देखेंगे अनग्रुप डेटा, उसके बाद देखेंगे फ्रीक्वेंसी, उसके बाद देखेंगे क्लास मार्क, और लास्ट में देखेंगे मीन, मीडियन, मोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप डेटा में हम देखेंगे, देखिए तो देखिए मिल्क सोल्ड हो रहा है लीटर के अंदर। तो देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 2 है, ये जो हमारा डेटा है वो किस तरह में हमें दे रखा है, एक ग्रुप तरह से हमें दे रखा है, यानी कि 0 to 3 है, 3 to 6 है, 6 to 9 है, 9 to 12 है। और आप देख रहे हो 0 to 3, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये हमारी क्या है, एक क्लास इंटरवल्स है। ठीक है, क्लास इंटरवल है, और इसके हम इसे इस ये जो डेटा हमें दे रखा है उसे हम बोलेंगे ग्रुप डेटा। ठीक है, हमें यानी कि ग्रुप में दे रखा है। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि 0 to 3 liter जो दूध बिक रहा है वो 4 customers खरीद रहे हैं, 3 to 6 liter 4 customers खरीद रहे हैं, 6 to 9 liter 32 customers खरीद रहे हैं, और 9 to 12 liter 40 customers खरीद रहे हैं। तो ये है ग्रुप डेटा, यानी कि हमें जो डेटा दे रखा होगा वो हमें एक ग्रुप में दे रखा होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप डेटा में देखिए पहला कॉलम है स्टूडेंट मार्क्स, दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हमने पहले ग्रुप डेटा देखा था, तो हमें वो जो डेटा दे रखा था एक ग्रुप लाइक दे रखा था, उसमें क्लास इंटरवल दे रखी थी, बट इसमें मैं डायरेक्टली दे दिया 10, 20, 30, 40। तो क्या बोला इसमें, स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं 20, 10, 20, 30, 40। उसके बाद बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये जो 10 है वो 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 2 बच्चों को आए हैं, 20 मार्क्स 3 बच्चों को आए हैं, 30 मार्क्स 4 बच्चों को आए हैं, 40 मार्क्स 5 बच्चों को आए हैं। तो अनग्रुप डेटा में हमें डायरेक्टली दे रखा होता है, ठीक है, यहाँ पर हमें ग्रुप के माध्यम से दे रखा था, जैसे कि 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 इसमें ग्रुप में दे रखा था, और अनग्रुप डेटा में हमें डायरेक्टली डेटा दे रखा होता है। अभी हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यानी जितने मतलब जो भी हमें डेटा दे रखा है वो कितने मात्रा में है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मार्क्स, तो यहाँ पर 10 दे रखा है। ये जो नंबर है, नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स कितने बच्चों को आए हैं, यानी कि 2 बच्चों को कितने मार्क्स आए हैं, 10 मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 30 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, और 40 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं। तो ये बोलते हैं हमें, इनको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 2 बच्चों को आए हैं, 20 मार्क्स 3 बच्चों को आए हैं, ये तो ये सब हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। सेम इस पर भी देखिए 0 to 3 liter दूध सोल्ड हुआ है, चार कस्टमर ने 0 to 3 liter दूध खरीदा है, 3 to 6 4 ने खरीदा है, 6 to 9 32 ने खरीदा है, तो ये सारी क्या हमारी, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, देखिए क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है वो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अभी देखिए अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है। तो ये जो आपको ग्रुप डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्रुप डेटा में ये जो ये वाला नंबर है 3 है, वो हमारा है अपर लिमिट, और ये जो 0 है वो है हमारा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना है 3, लोअर लिमिट है 0, इनको ऐड करना है और डिवाइडेड करना है 2 से, तो 3 + 0 = 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 / 3 कितना होगा 1.5। सेम हियर 6 और 3 = 9, 6, 7, 8, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 / 2 = 4.5। इसी तरह से आपको ये निकालना है। तो क्लास मार्क आप उसका निकालोगे जो आपको ग्रुप डेटा में है, जैसे कि आपको ये ग्रुप में दे रखा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क यानी कि इनकी सेंटर की वैल्यू। ठीक है, जो भी यहाँ इसकी सेंटर की वैल्यू कितना है, इसका क्लास मार्क कितना है 1.5, इसका कितना है 4.5। ठीक है, तो ये था क्लास मार्क। नेक्स्ट टॉपिक है मीन। मीन क्या होता है, देखिए तो मेरे पास एक क्वेश्चन है 10, 20, 30, 50 एंड 60। ठीक है,
ये मेरे पास कुछ डेटा है और मुझे बोला है इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है देखिए, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। इसका मतलब है जितने भी हमारे पास जो भी डेटा है, यानी कि जो डेटा है जितने भी आइटम्स है उनका हमें सम करना है, जितने भी नंबर हमें दे रखा है सबके सम करना है, सम यानी कि एडिशन करना है, ऐड करना है, और उसके बाद डिवाइडेड करना है जितने भी नंबर ऑफ डेटा है हमारे पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 फाइव नंबर है, तो फाइव नंबर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ आइटम, इनका मतलब सबका ऐड करना है, तो सबका एडिशन करेंगे तो कितना होगा, तो इनका एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 10 20 30 50 एंड 60 का एडिशन करेंगे तो होगा 175 डिवाइडेड बाय, तो 175 तो सबका एडिशन कर दिया, फिर क्या बोले नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 से इसको डिवाइडेड करेंगे तो 175 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना हो जाएगा 34। तो ये जो 34 है वो क्या मेरा मीन है। मीन के अंदर भी टाइप्स है, जैसे कि डायरेक्ट मीन हो गया, एज्यूम मीन हो गया, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, मीन, मीडियन एंड मोड। तो हमारा सब कुछ हो चुका है, बस मीडियन और मोड बचा है, ठीक है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी कि सेंट्रल वैल्यू, मीडियन यानी कि सेंट्रल वैल्यू, जो भी आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, 10 20 30 50 60, तो उसकी हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा जो डेटा है वो अगर आपको किस में दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज ओड, अगर ओड में दे रखा है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है n+1 डिवाइडेड बाय 2, अगर इवन में दे रखा है तो n/2+1, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपका डेटा जो भी नंबर ऑफ डेटा आपको दिया है अगर वो ओड नंबर में आ रहा है, जैसे कि कितने आ रहा है 1 2 3 4 5, तो आपका 5 क्या है, ओड है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है n+1/2, अगर इवन है तो n/2+1, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं मीडियन का। मीडियन के अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आपको डेटा दे रखा है जो भी, उसको अगर आपको सबको वो मिक्स में रहता है, ठीक है, जैसे भी इसका अभी देखिए 20 30 40, अगर आपको मिक्स में डेटा दे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको डिसेंडिंग में ऑर्डर दे डेटा दे रखा है तो आपको उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अच्छे से अरेंज करना है। देखिए एग्जांपल पर बताता हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास डेटा है 34 32 48 38 24 30 27 21 एंड 35, तो मेरे पास ये डेटा है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ आइटम्स है, तो 9 मेरा क्या है, तो 9 मेरा ओड है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ओड के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, n+1/2, ये फर्स्ट वाला, ठीक है, हमें पता तो चल गया हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बट कब करना है, जब हमारा देखिए हमारा जो डेटा दे रखा है आपको किस तरह से दे रखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, यानी कि मिक्सअप में दे रखा है, तो हमें पहले क्या करना है, हमें इसको अरेंज करना है, किस वे में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अरेंज करते हैं इसको, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वी हैव, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, 21 आएगा, सबसे छोटा 21 है, फिर 24, फिर 27, फिर 30, 32, 34, 35, 30 एंड 48। तो ये हमारा डेटा किस फॉर्म में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो सीन दे रहा है 9, इसमें 9 आइटम्स है, तो ये ओड नंबर है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन का, n+1/2, तो n+1/2 फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, n यानी कि कितने नंबर्स है, 9 नंबर्स है, तो 9+1/2, तो 9+1 इज 10/2, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5th आइटम, यानी कि 5 नंबर आया। तो अभी हम देखना है डेटा के अंदर में 5 आइटम पे हमारा कौन सा नंबर आता है, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो देखो 5th आइटम पे कौन सा नंबर आया, 32, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। देखा इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अभी लास्ट बचा है मोड, चलो वो भी फटाफट से देख लेते हैं। तो मोड यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मोड यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है, ये मेरी फ्रीक्वेंसीज है, तो वैल्यू क्या है, 19 है, 20 है,
21, 22, 23। 19 की फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी है 3, इसकी है 5, इसकी है 7, इसकी है 5। तो अभी इसमें से मुझे आप बताओ इसमें से मोड क्या है। मोड यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इतना मैंने आपको बताया, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो इसमें मुझे बताओ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 22 की। 22 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, 7, यानी कि 22 कितनी बार है, 7 बार है। 22 कितनी बार है, 7 बार है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 22 की है। तो मेरा मोड क्या होगा, मोड इज 22। तो इस तरह से हम मोड निकालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या देखा, ग्रुप डेटा देखा, अनग्रुप डेटा देखा, क्लास मार्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं और मोड कैसे निकालते हैं, ये सब हमने इसमें देखा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो से हम कंटिन्यूस चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो भी आपका है प्रैक्टिस सेट 6.1। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 है, तो उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो टोटल 6 क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जो लोग नए आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का, जैसे कि मैं 6.1 अपलोड करूँगा, तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।